विदिशा जिले के सिविल लाइन और कोतवाली थाना क्षेत्र में एसबी द्वारा गठित विशेष दल द्वारा छापा मारा गया। दो स्थानों पर जुआ और सट्टा खेलते 25 लोगों को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा एसपी दीपक शुक्ला के निर्देश पर एसपी कार्यालय से गठित की गई विशेष टीमों ने कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सावरकर बाल विहार के पास और सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर चल रहे जुए सट्टे के कारोबार पर कार्रवाई करते हुए दोनों स्थानों से 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और करीब 42,000 रुपए भी जब्त किए गए। एसपी दीपक शुक्ला की कार्रवाई की पुष्टि करते हुए सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दोनों थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। साथ ही इस प्रकार की कार्रवाई सतत रूप से जारी करने के संबंध में भी उन्हें कहा गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कई सालों से कोतवाली के नाक के नीचे सट्टे का कारोबार संचालित है, लेकिन व्यवस्थित रूप से बंद नहीं हो पाया। पुलिस कार्रवाई तो हर बार करती है, लेकिन सिर्फ कागजों में ही कार्रवाइयाँ सिमट कर रह जाती हैं। सटोरिये किसी न किसी व्यापार या दुकान की आड़ में सट्टे का कारोबार करते रहते हैं। अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। रिकॉर्ड है पहले का, क्यों खिलवाता है, क्या चाहता है, हम लपट रहे तुझे क्या? तो कायदे की बात क्या नहीं समझ में आ रही है? देखिए, हमको पिछले कुछ समय से सूचनाएं मिल रही थी अवैध गतिविधियों की, जुए सट्टे संचालन की। इसको लेकर आज हमने एक विशेष टीम रवाना की थी पुलिस अधीक्षक कार्यालय से, और इस टीम ने हमारे थाना कोतवाली सिविल लाइन दोनों क्षेत्रों में प्रॉपर रेड करी है। इसमें लगभग हमने 25 लोग जो कि जुआ सट्टा खेलते हुए पकड़ाए हैं उनको गिरफ्त में लिया है और लगभग 42,000 रुपये इसमें दोनों प्रकरणों में नकदी बरामद हुई है। दोनों ही प्रकरणों में आवश्यक कार्रवाई आगे की जा रही है। अभी